मुझे आज भी याद है जब मैं एक बिगिनर प्लेयर था, मुझे हमेशा ये फ़ील होता था कि ये गिटार सीखना इतना मुश्किल क्यों है, इसको क्या आसान नहीं बनाया जा सकता। तो आप लोगों की तरह मुझे भी यही सेम स्ट्रगल से गुजरना पड़ा था। मुझे पता है क्या स्ट्रगल्स और फ्रस्ट्रेशंस होते हैं एक बिगिनर गिटार प्लेयर के लिए, जिसके वजह से मैंने गिटार सिखाना स्टार्ट किया। तो अगर आपको गिटार सीखने में तकलीफ़ हो रही है तो ये 5 टिप्स जो मैं आपको आज देने वाला हूँ, इनको इम्प्लीमेंट करो और देखो कि आपका प्रोग्रेस इम्प्रूव होता है या नहीं। वेलकम बैक, धनेश हियर, learnguitaronline.in। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है आपके लिए कि आप पहले डिसाइड करो आपको करना क्या है आपके गिटार प्लेइंग के साथ। अभी सुनकर आपको हंसी आएगी कि ये क्या पूछ रहा है, करना क्या है मतलब गिटार बजाना है। मैं जानता हूँ जब हम सब स्टार्ट करते हैं हम लोगों को ऐसा लगता है कि बस सब गिटार बजाना है, किसी को देखा हम इंस्पायर हो गए, गिटार उठाना है, सॉन्ग्स बजाना है, ये सब ठीक है। ओके, फॉर अ बिगिनर ये सब एक इंस्पिरेशन की बात है। बट जब आप सीखने लगते हो तब आपको डिसाइड करना है कि आपको इवेंचुअली क्या करना है अपने प्लेइंग में, आप अपने प्लेइंग को कहाँ लेके जाना चाहते हो। क्या आप सैटिस्फाइड हो कि आपने 4 कॉर्ड सीख लिए और थोड़े बहुत गाने बजा लिए, क्या ये आपका गोल है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत गोल है, ये भी आपका गोल हो सकता है। या आप अपनी प्लेइंग को इम्प्रूव करना चाहते हो और हायर लेवल्स पे लेके जाना चाहते हो, आप कंसिस्टेंटली इम्प्रूव होना चाहते हो, आप प्रोफेशनल लेवल गिटारिस्ट या म्यूजिशियन बनना चाहते हो, तो ये सब होते हैं प्रॉपर गोल्स। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको एक्चुअली आप अपने आप को कैसे विजुअलाइज़ करते हो। जब आप सोचते हो मन में कि मैं गिटार लेके क्या करूँगा तो आपको क्या लगता है, आप क्या पिक्चर देखते हो सामने? क्या आप स्टूडियो म्यूजिशियन हो, क्या आप कंपोज़र हो जो अपने गाने बना रहे हैं, क्या आप सिंगर सॉन्ग राइटर हो जो अकूस्टिक सॉन्ग्स प्ले कर रहा है, कंपोज कर रहा है या दूसरों के कवर सॉन्ग्स कर रहा है? क्या आपको किसी एक तरीके का म्यूज़िक सीखना है, कोई जॉनरा है जो आपको बहुत पसंद है, पॉप म्यूज़िक बहुत पसंद है या रॉक म्यूज़िक बहुत पसंद है? ये डिसाइड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो जाती है तो आपके आगे के स्टेप्स जो है सीखने के, आप उसके हिसाब से लाइनअप कर सकते हो और तभी आप एक एक करके ये स्टेप्स को हासिल कर सकते हो और अपना जो इवेंचुअल गोल है वहाँ पर पहुँच सकते हो। तो नंबर 1 टिप है कि अपना गोल डिसाइड करो। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है ये डिसाइड करने में, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत बिगिनर्स, जब मैं भी बिगिनर था, हालांकि मेरा गोल बहुत क्लियर था मुझे क्या करना है, बट बहुत सारे बिगिनर्स जिनसे मैं मिलता हूँ उनको एक्चुअली आइडिया ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है। वो बस यही चीज़ लेकर आते हैं कि मुझे गिटार बजाना है, और विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन इसके बियॉन्ड मैं उनको हेल्प करता हूँ। तो अगर आपको भी ये तकलीफ़ हो रही है कि मुझे पता ही नहीं है क्या करना है म्यूज़िक में मुझे, तो आप किसी अच्छे गिटार टीचर को अप्रोच करो, मेरे पास आओ, एक ट्रायल लेसन बुक करो मेरे साथ, मैं आपको हेल्प करूँगा डिसाइड करने में कि आपके लिए राइट गोल क्या होगा। सेकेंड टिप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एक गलती है जो हम सब करते हैं और आप ही की तरह मैंने भी ये बहुत किया है। इंटरनेट पर जाके सीखने की कोशिश करना, कि रैंडम चीज़ें उठाना, कोई ये आर्टिकल देख लिया, कोई टैबलेचर यहाँ देख लिया, कोई कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ देख लिया, कॉर्ड शेप देख लिया, कोई यूट्यूब का लेसन देख लिया और हम इसको देखकर सीखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जो सामने सिखा रहा है उसको कुछ नहीं पता कि हमारा प्लेइंग लेवल क्या है, वो अपने हिसाब से सिखाएगा, अब उस सिखाएगा या सिखाएगी, अब उसने कितने साल प्रैक्टिस किया है, क्या मेथड्स उसने यूज़ किए हैं, ये हम लोगों को नहीं पता, ना उनको पता है कि हम कौन से लेवल पे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो अपने लेवल के हिसाब से सिखाते हैं और हम डायरेक्टली उसको अटैम्प्ट करने जाते हैं और फेल हो जाते हैं। जब फेल हो जाते हैं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और इवेंचुअली हम गिव अप कर देते हैं। तो ये अगर आपके साथ भी हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सही तरीका नहीं है और ये और करते रहने से इससे आपको कोई रिज़ल्ट भी नहीं मिलने वाला। तो आपको एक्चुअली अगर रिज़ल्ट चाहिए तो किसी अच्छे गिटार टीचर को अप्रोच करो जो आपको एग्जैक्टली बता सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि आप अपने प्लेइंग बेटर करते जाओ और अगले लेवल पे पहुँचते जाओ जल्द से जल्द। याद रखना कि अगर आप इंटरनेट पे जाके रैंडम चीज़ें करोगे तो आपको रैंडम तरीके के रिजल्ट्स ही दिखेंगे। अगर आपको प्रिसाइज रिजल्ट्स चाहिए, आपको पता है कि नहीं मैं ये लेवल पर हूँ और मुझे जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना है, तो आपको उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा और सिस्टमेटिकली उस चीज़ को अप्रोच करना पड़ेगा। टिप नंबर 3 इज़ दैट आपको इन गोल्स को, जो आपने अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाया है कि मुझे ये बनना है म्यूज़िकली, आपको इसको छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जैसे अगर आपका गोल है कि मैं 3 से 6 महीने में मैं अपने फेवरेट गाने बजा सकूं, तो ये एक डिसेंट लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है फॉर अ बिगिनर गिटारिस्ट। बट अब आपको इसको छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि मुझे वो करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, गिटार पे मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा, कौन सी चीज़ों में मुझे एक्सपर्टीज़ हासिल करनी पड़ेगी, क्या किस तरीके की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्लस आप ऑब्वियसली जब आप गाने सीखोगे तो आप अपने बेडरूम में बैठकर नहीं बजाने वाले हो, आप उसको परफॉर्म करोगे, लोगों के सामने प्ले करोगे, उस चीज़ के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। बिलीव इट और नॉट, आप कितने भी अच्छे गिटारिस्ट बन जाओ, अगर आपको परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पे आपका जो टीचर है उसका रोल बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, आपका टीचर एग्जैक्टली उसको ब्रेक डाउन कर सकता है कि आपको अभी इस चीज़ पे काम करना है ताकि आप यहाँ पहुँच सको, और फिर यहाँ पहुँचने के बाद आप क्या और चीज़ें ऐड कर सकते हो जिससे आप और आगे 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 बढ़ते जाओ कम टाइम में। ये तरीका है फास्ट सीखने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे तरीके काम नहीं करते, करते हैं, लेकिन वो सारे स्लो होते हैं और इसमें बहुत बोरियत और फ्रस्ट्रेशन होता है जिसकी वजह से लोग क्विट कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो मेक श्योर कि आप अपने गोल सेट करो, उसको शॉर्ट गोल्स में ब्रेक डाउन करो और उन पर एक एक करके काम करके उनको अचीव करो। टिप नंबर 4 सबसे इम्पॉर्टेंट, और मुझे बहुत दुख होता है जब मैं बिगिनर प्लेयर्स को ये मिस्टेक करते देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद इससे बहुत स्ट्रगल कर चुका हूँ। जब हम बिगिनर्स होते हैं तो हम इंटरनेट पे जाके अलग अलग एक्सरसाइजेज ढूंढते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने गिटार क्यों उठाया था। क्या आपने गिटार उठाया था इसलिए कि आप उस पर एक्सरसाइज कर सको? एक्सरसाइज करना है तो आप जिम जा सकते हो, आप गिटार की क्या ज़रूरत है? लेकिन क्या होता है कि हम लोगों को अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं इंटरनेट पे, हमको लगता है ये एक्सरसाइज करेंगे तो बेटर हो जाएगा, वो करेंगे तो बेटर हो जाएगा। बिलीव मी, एक्सरसाइजेस कोई काम में नहीं आता अगर उनका कोई म्यूज़िकल मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेज है, क्रोमेटिक एक्सरसाइजेज, आपके जो स्ट्रिंग स्किपिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रिंग स्किपिंग तो फिर भी ठीक है, स्पाइडर एक्सरसाइजेज, ये सारे आप कहाँ म्यूज़िक में यूज़ करने वाले हो? प्लस आप इनको करते करते आप कभी एन्जॉय नहीं कर पाते हो। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका जो सीखने का एन्जॉयमेंट है, लर्निंग प्रोसेस का जो फ़न है, वही नहीं रहता, और जब ये नहीं रहता तब आप जाके ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। तो एक्सरसाइज करना बंद करो, गिटार पे म्यूज़िकल चीज़ें करो, ऐसे चीज़ें फाइंड आउट करो जो म्यूज़िकली अच्छे है, आपको खुश करेंगे जब आप उनको प्ले करोगे, प्लस उनकी प्रैक्टिस में आप इम्प्रूव भी करोगे। तो प्लीज़ ये मिस्टेक मत करना, एक एक घंटे बैठ के एक्सरसाइज मत करना गिटार पे, कोई अच्छे म्यूज़िकल चीज़ें फाइंड आउट करो और उनको प्ले करना शुरू कर दो। और आखिरी टिप, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि अपने प्रॉब्लम्स को रूट कॉज से अटैक करो। अगर आपको सीखने में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है तो आपका टीचर इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको 2 सेकेंड में बता दे कि कहाँ पर एग्जैक्टली इसका रूट है, नहीं तो आप हमेशा सिम्टम्स में अटके हुए रह जाओगे। तो प्रॉब्लम को फिक्स करो, सिम्टम को फिक्स करने की कोशिश मत करो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई कॉर्ड नहीं बजा पाते हो या आप स्विच नहीं कर पाते हो कॉर्ड्स के बीच में, और आपको ऐसे लगता है कि आपके फिंगर्स में कोई तकलीफ है, आपके फिंगर्स ठीक से मूव नहीं होते दूसरों की तरह, या आपके फिंगर्स मोटे हैं, पतले हैं, ये सारी बातें हमारे दिमाग में आती है। लेकिन एक्चुअली ये सब प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप कॉर्ड स्विच नहीं कर पा रहे हो। और सेम अप्लाइज टू लीड गिटार ऑल्सो। लीड गिटार में भी आप कुछ बजा रहे हो लेकिन आपको ऐसा लग रहा है पिकिंग हैंड ठीक से मूव नहीं हो रहा, आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रिंग्स नहीं ढूंढ पाते हो टाइम पे, आपका फिंगर जो है वो सही जगहों पे नहीं पड़ता। प्रॉब्लम कहीं भी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके दोनों हाथों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जो भी रीज़न है आपको उस प्रॉब्लम के रूट को अटैक करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे और सिम्टम पे फोकस करोगे तो यही चीज़ें जो है आगे चल के जैसे आप डेवलप होते जाओगे वैसे वैसे ये चीज़ें आपके लिए रोड ब्लॉक्स बन जाएंगी और हर स्टेज पे आपको तंग करेंगी। तो आपका नंबर 1 गोल होना चाहिए हर प्रैक्टिस सेशन में कि अपने जो भी आप स्ट्रगल और प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो गिटार में, उसको रूट कॉज से आइडेंटिफाई करके उसको फिक्स और एलिमिनेट करने की कोशिश करो, तब जाके आप देखोगे कि आपका प्लेइंग बहुत ही जल्दी नए नए स्टेजेस पे पहुंचता जाएगा। तो ये थे मेरे टॉप 5 टिप्स अभी के लिए। मैं आपसे मिलता रहूँगा और लेसन्स लेकर जो आपको जल्दी से आपके गिटार प्लेइंग को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखा है तो इस सीरीज़ में जाके पिछले लेसन्स देखिए, आपकी जो बेसिक टेक्निक की ट्रेनिंग है वो ईजिली हो जाएगी उसके थ्रू। मैंने आपसे जो भी शेयर किया अगर आपको वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं लेसन अपलोड करूँ आपको पता चले। अगर आपको पर्सनली प्रॉब्लम्स आ रही है अपने गिटार प्लेइंग में तो आप कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको हेल्प करने की। अगर आपके दोस्त भी गिटार सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए, उनकी मदद कीजिए। अगर ये सारे बिगिनर स्ट्रगल फ्रस्ट्रेशन से आपको बचना है तो आप learnguitaronline.in पर जाके मेरे साथ एक ट्रायल लेसन बुक कीजिए जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है ताकि आप अपने गिटार प्लेइंग को जल्द से जल्द इम्प्रूव कर सको। दिस इज धनेश अगेन और मैं आपसे अगले लेसन में मिलता हूँ।